वेलकम टू एसएससी मेडीजी। एसएससी की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस दिया गया है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कुछ गलतियां जो हर स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, अगर आप भी इस बार करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा और आप फिर से जॉब से वंचित रह जाएंगे। अगर हम एसएससी की बात करें तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एसएससी में सिर्फ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी CPO, ये चार परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं और हम इसी में एलिजिबल हैं और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी सारी इन्हीं चार परीक्षाओं में अप्लाई करते हैं और कंपटीशन भी इसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन कुछ परीक्षाएं SSC के द्वारा ऐसी कंडक्ट कराई जाती हैं जिनके बारे में बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पता भी है उनको कुछ ज़्यादा अवेयरनेस ना होने के कारण वो अप्लाई ही नहीं करते। और वो परीक्षा इतनी आसान होती है, उसका कट ऑफ इतना कम जाता है कि आप उसको आसानी से 40-100 की ग्रेड पे की जॉब ले सकते हैं, और उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन एक छोटी सी अपडेट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर YouTube पर बहुत सारे टीचर से आधा अधूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसकी वजह से अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के समय में वो है अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर पवन राव सर और विनय शर्मा सर और जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सारे सब्जेक्ट के, मुखर्जी नगर के, सभी पढ़ा रहे हैं। और साथ भी आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्लान में सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो एडवांस हो, एडवांस मैथ्स हो, या प्री लेवल का कोर्स हो, या मेंस लेवल का कोर्स हो। और जो मेंस का कोर्स लॉन्च होगा सीजीएल 2019 के लिए उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एसएससी मेड रेफरल कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और सबसे बेस्ट प्लान रहेगा 12 मंथ वाला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सस्ता और किफायती पड़ेगा। और मैं जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 8 है वो फेज 8 स्टार्ट होने वाला है, और ओवर वही नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा पब्लिश की गई है। आपको पता होगा कि कल फेज 7 का जो फाइनल जो रिजल्ट आया था, और इसके पहले की अगर आप फेज 6 की बात करें तो एसएससी ये एक जो सिलेक्शन पोस्ट की एग्जामिनेशन होती है यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है, और कल भी एग्जामिनेशन में कट ऑफ काफी ज्यादा कम है। और जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का इस एग्जामिनेशन को लेकर, इसका जो लेवल होता है वो 3 लेवल में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। एक है 10th लेवल, दूसरा है 12th लेवल, और तीसरा है ग्रेजुएशन लेवल। और जो ग्रेड पे होता है वो सेम होता है जिस तरह का एमटीएस का होता है, सीएचएसएल का होता है, या जो सीजीएल में होता है। और 4200 की ग्रेड पे अगर आपको सीजीएल के थ्रू क्रैक करनी है तो आपको टोटल 4 टायर से होकर गुजरना है, उसके बाद फाइनल मेरिट आती है। कंपटीशन का लेवल आपको पता है, लेकिन यहाँ पर 4200 की ग्रेड पे की एक जॉब लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन निकालनी है, वो भी प्री एग्जामिनेशन 100 मार्क की, जो आपका प्री का सीजीएल का पेपर होता है सेम वही एग्जामिनेशन आपको प्री निकालनी है। उसके बाद कुछ नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब इस एग्जामिनेशन में होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हमें एलिजिबल ही नहीं है, हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत सारी पोस्ट है जिसमें एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है, और कुछ में अगर एलिजिबिलिटी मांगी भी गई है तो वो आप आसानी से उतना एलिजिबल हो सकते हैं, उसके कई रास्ते होते हैं, और वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी की बात करें तो जैसा कि शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया गया है और डिफरेंट रीजन का, अगर आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे ssc.nic.in, तो यहाँ पर पहले आप रीजन को सिलेक्ट करेंगे तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रीजन है वहाँ के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आ जाएंगी। आप अलग अलग रीजन पर जाकर देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सारी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट होती हैं और हर कुछ पोस्ट में एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी पोस्ट है जिसमें एडिशनल कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। और कुछ ही दिन में इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है, और आज शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया गया था तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन कौन सी पोस्ट आपको भरनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, 10th लेवल में भी, 12th लेवल में भी, और ग्रेजुएशन लेवल में भी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम होता है, कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना काफी ज्यादा आसान है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।